कानपुर में होने वाले उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र मैथानी के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता से अपील की कि वो भाजपा प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताए। चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों को जनता के बीच रखा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज की यात्रा करेगा, इसलिए कानपुर में बंद हुई हवाई सेवा को चालू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि 11 नए एयरपोर्ट को बनाने का काम चल रहा है, जिसमें 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। कानपुर में मेट्रो सेवा काम चालू कर दिया गया है। चुनाव के बाद किसी भी दिन मेट्रो कार्य का शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल भाजपा पार्टी में ही संभव है कि एक सामान्य कार्यकर्ता भाजपा में प्रधानमंत्री के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष व जिला अध्यक्ष भी बन सकता है। भाजपा में ना तो परिवारवाद है और ना ही जातिवाद। कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए योगी ने कहा कि राहुल गांधी ने हार के बाद इस्तीफा दे दिया और बाहर का कोई अध्यक्ष ना बन जाए, इसलिए उन्होंने अपना अध्यक्ष ही नहीं बनाया। कांग्रेस पार्टी बिना पायलट वाली कार हो गई है, उसमें ना तो कोई नेता है और ना ही नीति है, साथ ही उसमें देश के प्रति उनकी नीयति भी अच्छी नहीं है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र मैथानी के बारे में कहा कि उन्होंने जिला अध्यक्ष को विधायक पद का प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने गोविंद नगर विधानसभा की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जब एक कार्यकर्ता चुनकर जाएगा तो वो जनता के विचारों को उचित मंच पर रखने का कार्य करेगा। और जब तक है खून में हलचल, राष्ट्र झुक नहीं सकता। ऐसे जज्बे के साथ हमारे यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी से मैं आग्रह करती हूँ कि विशाल जनसभा को संबोधित करने का कष्ट करें। आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री नंद गोपाल नंदी जी, श्री सतीश महाना जी, श्रीमती कमल रानी वरुण जी, श्री राम नरेश अग्निहोत्री जी, श्रीमती नीलमा कटियार जी, माननीय सांसद श्री सत्यदेव पचौड़ी जी, श्री देवेंद्र सिंह भोले जी, महापौर श्रीमती प्रमिला पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की उपाध्यक्ष श्रीमती रंजना उपाध्याय जी, प्रदेश महामंत्री श्रीमान सलील बिश्नोई जी, प्रदेश मंत्री श्री देवेश कोरी जी, जिलाध्यक्ष दक्षिण श्रीमती अनिता गुप्ता जी, मान्य विधायक श्री महेश त्रिवेदी जी, भगवती प्रसाद सागर जी, अभिजीत सिंह सांगा जी, विधान परिषद सदस्य श्रीमान अरुण पाठक जी और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र मैथानी जी और उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों, नागरिक बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आप सब ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से चुनाव जिता करके यहां से भेजा और प्रधानमंत्री मोदी जी बने और मोदी जी ने 100 दिन के अंदर देश के अंदर अपनी दूसरी पारी में वह कार्य करके दिखा दिया जो विगत 70 वर्षों में कोई सरकार नहीं कर पाई थी। भाइयों बहनों, ये लोकतंत्र का तकाजा है कि जनता जैसी सरकार चुनेगी परिणाम भी उसी प्रकार के आएंगे। आप सब ने लोकसभा चुनाव में मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था
और भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुन करके गए थे। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत जब की तो सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा कार्य जो हुआ, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता 1953 से नारा लगाता था कि एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे, और उस कार्य को 70 वर्षों में कोई सरकार नहीं कर पाई। वह कार्य मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक ही झटके में करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए संविधान की आर्टिकल 370 को सदैव के लिए एक इतिहास की वस्तु बनाकर के रख दिया है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं किस देश के अंदर देश के हित में फैसला लेना अपने आप में कितनी बड़ी चुनौती होती है, लेकिन उस चुनौती के परिणाम देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और देश के विकास और समृद्धि के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, यह हम लोग अक्सर इस प्रकार के फैसलों के माध्यम से देख सकते हैं। जिनके लिए देश हित महत्वपूर्ण है वे लोग देश के हित में फैसला लेते हैं, अपने राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठ करके फैसला लेते हैं, लेकिन जिनके लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थ महत्वपूर्ण थे यह दिलाने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी पूरी प्रतिबद्धता के साथ सरकारें आपके हित में कार्य कर रही हैं। और यही कारण है एक सामान्य कार्यकर्ता से उठे हुए जिला अध्यक्ष के रूप में अपनी कार्य पद्धति के माध्यम से पार्टी को मूल्य सेवा देने वाले श्री सुरेंद्र मैथानी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी मंच पर बैठे हुए नेताओं की सहमति से आपका प्रत्याशी इस गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र का बनाया है। भाइयों बहनों, एक कार्यकर्ता चुन करके जब जाएगा वह कार्यकर्ता जनता की भावनाओं को उचित मंच पर रखने का कार्य भी करेगा। वह कार्यकर्ता जब वहां पर जाएगा जनभावनाओं का सम्मान करेगा, विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। इस विधानसभा सीट के माध्यम से कानपुर के विकास का जो रोड मैप श्री पचौरी जी ने यहां पर तैयार किया था, उसको आगे बढ़ाया था, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए श्री सुरेंद्र मैथानी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आप सबके बीच में हैं। भाइयों बहनों, गोविंद नगर विधानसभा सीट के बारे में हम लोगों का यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष स्वयं चुनाव लड़ रहा है, तो रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीते, क्या मैं इस पर विश्वास कर सकता हूं? क्या मैं गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता मुझे इस बात के लिए, यहां की जनता जनार्दन, यहां का मतदाता मुझे इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता है कि गोविंद नगर में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से जीतेगा? भाइयों बहनों, ये जीत हमारे लिए इसलिए भी मायने रखती है कि जो लोग कश्मीर में धारा 370 का विरोध करते हैं, जो लोग ट्रिपल तलाक का विरोध करते हैं, जो विकास की योजनाओं में बाधक हैं और जो लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, इन सबको जवाब देने का एक अवसर चुनाव होता है। और आप सबसे मेरा अपील होगा 21 अक्टूबर को अति आत्मविश्वास में रहने की आवश्यकता नहीं। 21 अक्टूबर को पहला कार्य मतदान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के कमल चुनाव चिन्ह पर जाकर के सबसे पहला कार्य भारी मतों से जिताने की अपील आप सबसे करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। श्री सुरेंद्र मैथानी को भारी मतों से विजयी बनाए, यही अपील आप सबसे करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।